वेलकम 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 बैक टू द चैनल गाइस। आई एम बैक ढाई महीने के ब्रेक के बाद आपको एक अमेजिंग नोवेल के बारे में बताने के लिए, जो आपके दिमाग के घोड़े दौड़ा देगी, झंडे काट देगी, आपको सोचने पे विवश कर देगी कि क्या सही है क्या गलत। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यू आर वॉचिंग एनीपीडिया। दिस इज एपिसोड नंबर 5 ऑफ एवरीथिंग रिव्यूज एंड टूडेज नोवेल इज द बीच हाउस। स्टे ट्यून्ड गाइस। अगर आप मिस्ट्री और थ्रिलर नॉवल पढ़ने के शौकीन हैं तो शायद आप इन महाशय को जानते होंगे, और अगर नहीं तो कोई नहीं यार, हम बैठे हैं ना, हम बताएंगे आपको। दिस इज मिस्टर जेम्स पैटरसन। ही इज अ जीनियस, क्योंकि इनकी स्टोरीज, इनका आर्ट, इनकी बुक्स बहुत अमेजिंग होती हैं। इन्हीं के अमेजिंग वर्क को लेके आज हम उसका रिव्यू करेंगे, जिसका नाम है द बीच हाउस। रिव्यू के होंगे 3 पार्ट, कैरेक्टर्स, स्टोरी, राइटिंग स्टाइल। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर्स में सबसे पहला जो ध्यान में आता है वो है जैक मिलर, स्टोरी का मेन कैरेक्टर, जिसके चारों तरफ स्टोरी रिवॉल्व करती है। जैक एक लॉ स्टूडेंट जो कि कैलिफोर्निया में रहता है, जब वो अपने होम टाउन में आता है उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई पीटर, उसका छोटा भाई, उसकी डेथ हो गई है। पीटर की डेथ जैक के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है। पीटर की डेथ से जैक की जो डिलेमास हैं, उसके जो फियर्स हैं, उसकी जो सोच है, वो पूरी बदल जाती है उसके। और जब वो अपने जब उसे पता चलता है कि जो उसका भाई है पीटर, वो ही वॉज मर्डर्ड, इट वॉज नॉट ए सुसाइड, उससे उसको बहुत बड़ा धक्का लगा था। और अपने भाई की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए ये पूरा जो बुक है उसी में को कंप्रेस करती है। जैक इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो कि पूरी स्टोरी को जीता है। वो अपने भाई के मर्डर को पता लगाता है, और किस तरीके से कैसे लोगों की मदद लेके और किन लोगों के खिलाफ जाके उसने अपने भाई के लिए वो क्या करता है, और क्या वो सही है, क्या वो मर्डर था या सुसाइड, क्या जैक सही है या उसके टाउन के सारे लोग, जो सब कह रहे हैं कि पीटर की डेथ हो गई है, जज, पुलिस, जिनका बीच था, सबके सब वो सही है या जैक। इसी डिलेमा में मासी जो द बीच हाउस है वो झेलती है, और उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। जैक जो कि एक बड़ा भाई होने काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपनी जो गर्लफ्रेंड है डैना उसके लिए बहुत लॉयल है, लेकिन हाँ वो बात अलग है कि डैना उसको उतना प्यार नहीं करती, एक्चुअली प्यार ही नहीं करती। उसके अलावा अगर जैक के अलावा और कैरेक्टर्स की बात करें तो बुक के एंटैगनिस्ट बैरी, द पुलिस इंस्पेक्टर वॉल्पी, # हरामी मानुष, और जैक के दादाजी, सुपर से ऊपर वाले दादाजी मैक, और डैना एंड जो जैक के फ्रेंड्स हैं, उसके टाउनमेट्स हैं, उसके जैक के जो एडवोकेट हैं, वो इन सब के ऊपर जो स्टोरी रिवॉल्व करती है। दा और किस जो हाई टाउन के जो पीपल होते हैं, उनकी जो सोच होती है, उनकी लाइफ होती है, वो कैसे जीते हैं, उनका जो डार्क सीक्रेट्स हैं उनको रिवील करती है ये स्टोरी। जैक के अलावा ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं स्टोरी के ऊपर, लेकिन जैक जो है वो जान है स्टोरी की। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है प्लॉट का। तो जैसे कि मैंने बताया कि पीटर की डेथ को मर्डर या सुसाइड के बीच में जो ये खेल चलता रहता है, बीच हाउस उसी को समराइज करती है बुक में। ज़्यादा कुछ ऐसा बुक की जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो बुक का प्लॉट है वो ज़्यादा कुछ वाइड नहीं है, वो एक छोटा है, लेकिन उस नैरो स्टोरी में एक कमाल का मास्टरपीस लिखा जा सकता था, जेम्स सर ने वो हमें बताया है बुक के जो। इसके अलावा बुक के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, अगर उसकी बात करूँ तो जो बुक है उसकी राइटिंग बहुत, उसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बुक के कैरेक्टर्स, उसकी जो राइटिंग स्टाइल है, राइटर की सोच, और
जिस विजन से जेम्स सर हमें ये मूवी बुक दिखाना चाहते थे, आप उनको आप उसको फील कर सकते हो। जेम्स सर के बुक्स की एक खास बात ये है कि एज इट इज सेड ऑन दिस, जैसे कि रिव्यू में लिखा है कि पैटरसन्स बुक कम विद ए बोनस मूवी टिकट, क्योंकि लिटरली बुक पढ़ने के बाद आपको फील होगा कि आप एक बुक नहीं, आप एक मैसी मूवी देख रहे हैं, क्योंकि बुक के जो थ्रिल्स हैं, बुक के जो जंप कट्स हैं, बहुत अमेजिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर बुक के जो नेगेटिव्स हैं और जो मैं सोचूं कि मेरे को कटवाना, बुक के जो पीसेस मेरे को कटवाना चाहूँगा या फिर चेंज करना चाहूँगा, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है और मेरे बुक से जो सबसे बड़ी कंप्लेन है वो ये है कि बुक का जो एंड है वो बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइंग है। बुक का एंड माना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा नीचे, बहुत ही ज़्यादा, आप बुक आप सोच नहीं सकते कि जो बुक के जो एंड है वो कैसा होगा, कितना ही ज़्यादा विचित्र होगा माना। लेकिन कई लोगों के लिए हाँ, बुक का जो एंड है वो सेटिस्फाइंग होगा, सही होगा, बट फॉर माय ओपिनियन आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, इट्स अ वेरी गुड एंड टू दिस अमेजिंग स्टोरी, क्योंकि मेरे हिसाब से या फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक और अच्छा बेटर एंडिंग दी जा सकती थी। इसके अलावा जो दूसरा एंड मेरे हिसाब से वो है कि जो मडमैन है, जो मडमैन वाला एलिमेंट इन्होंने बुक में ऐड किया था, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि इट वाज रैदर एक्स्ट्रा था। मेरे हिसाब से बुक का जो मडमैन वाला हिस्सा था वो एक्स्ट्रा था, इट वाज नॉट नेसेसरी। आप चाह जो एडिटर थे वो चाहते तो उसको इसमें से काट सकते थे, लेकिन येट उन्होंने उसको रखा। तो अगर मेरे को चेंज करना आता तो बेशक मैं उसको चेंज कर देता। एंड तीसरा, अगर मेरे को बुक में कुछ चेंज करना होता तो मैं चाहता कि डायना को एक बहुत गंदी वाली सज़ा मिले, क्योंकि भाई भाई का दिल तोड़ा यार, शी मस्ट हैव, उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए थी, एटलीस्ट उसको बुरा तो लगना चाहिए था। एंड टिल दी एंड डायना को बिल्कुल बुरा नहीं लगा जो उसने उसके साथ जैक के साथ किया। तो अपने इस रिव्यू को एंड करते वक्त, इसके जो पॉइंट्स हैं उसको क्रिस रखते वक्त, अगर अपना फाइनल जजमेंट देते हुए बोलूँ तो बुक एक गुड रीड है। अगर आप एक मिस्ट्री थ्रिलर नॉवल पढ़ना चाहते हैं, दिस इज़ अ गुड रीड, आप इसे पढ़ सकते हैं, लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मास्टरपीस है, मगर अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास पढ़ी है, यू वॉन्ट टू रीड समथिंग मिस्टीरियस एंड समथिंग अराउंड अ फैमिली, भाइयों के रिश्ते के बारे में अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। दिस इज अ रिकमेंडेड बुक, आप इसे पढ़िए, दोस्तों को दीजिए, रेड आइकन होगा उसको क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, मेरी अगली वीडियोस का वेट कीजिए। इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट, बुक बहुत अच्छी है, बुक बहुत अमेजिंग है, आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, स्टे अमेजिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।